नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हमने आपको हाल ही में बताया था और लगातार आपको सूचना दे रहे कि किस प्रकार से उल्हासनगर शहर में दहशत गर्दी का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाते हुए नजर नहीं आ रही। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन का डर या फिर पुलिस प्रशासन का खौफ शहर के बदमाशों में नहीं रहा। शहर में दहशत गर्दी के माहौल में जहां एक और लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो वहीं एक और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया जो कि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार और कई दिनों से जेल में बंद रोशन झा के इस वीडियो को देखिए जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस की वैन पर बैठे हुए और उसके दोस्त मित्र बाहर खड़े होकर केक काटते हुए नजर आ रहे। आपको बता दें कि रोशन झा पर सिर्फ हत्या के नहीं और भी ऐसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। सवाल उठता है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी किस तरह से उसका जन्मदिन मना रहा है। वे साफ नजर आ रहा है कि रोशन के मित्रों ने जन्मदिन मनाने के बाद सारी वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिसके बाद खबर सामने आई। आपको बता दें कि रोशन झा के साथ जन्मदिन मना रहे मित्र कई पार्टियों से संबंध रखते हैं और शहर के कई बड़े नेताओं के संपर्क में। खासतौर पर वीडियो में दिख रहे युवक को गौर से देखिए जो कि भाजपा के कार्यकारिणी पद पर रह चुका है और उन्होंने कई पक्ष पार्टियां भी बदली। सवाल उठ रहा है कि शहर में क्या इन बदमाशों को हौसला पुलिस प्रशासन के दम पर मिल रहा है या फिर शहर के नेताओं के दम पर। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।